बीहड़ बागी और बंदूक के बिना चंबल का जिक्र पूरा ही नहीं हो सकता। यही चंबल के बागियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना था। चंबल की बीहड़ों में ऐसे कई कुख्यात डकैत हुए जिनका आतंक 50-50 कोस दूर तक रहा। पुतलीबाई, फूलन देवी और कुष्मा नाइन समेत कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने कई सालों तक चंबल के जंगलों में राज किया, जिनके एक इशारे पर कई गांवों के लोग उनके लिए जान देने को हमेशा तैयार रहते थे। आज कहानी उसी दस्यु सुंदरी की जो खूबसूरती में बॉलीवुड को हीरोइनों को फेल करती है। आज कहानी उसी महिला डकैत की जिसके एक डाकू के साथ अवैध संबंध थे। आज कहानी उसी दस्यु सुंदरी की जिसके पति ने उसे तलाक दिया था और फिर वह एक डाकू के साथ रिश्ते में आ गई थी। आज कहानी उसी महिला डकैत की जिसने अपने डाकू प्रेमी के साथ कई सालों तक चंबल में राज किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दस्यु सुंदरी किरण उर्फ लवली पांडे की। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड आप यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में किरण उर्फ लवली पांडे की जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि क्यों लवली को उसके पति ने तलाक दिया था। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उसी लवली के एक डाकू के साथ संबंध थे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अब आपको लवली पांडे की कहानी बताते हैं। लवली पांडे का जन्म इटावा जिले के भरेह थाना क्षेत्र में हुआ था। लवली के पिता का नाम हरिनारायण शास्त्री था। किरण उर्फ लवली पांडे के पिता भागवत कथा वाचक थे। लवली बचपन से ही काफी तेज थी। वह अपने माँ के साथ सभी छोटे बड़े कामों में हाथ बटाती थी। फिर साल 1992 में लवली के पिता ने लवली की शादी कर दी। शुरुआत के कुछ महीने तक लवली अपने ससुराल पक्ष में खुश रहा करती थी, लेकिन किसी बात को लेकर अक्सर उसका और उसके पति के बीच विवाद होता रहता था। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लवली के पति को लवली के आचरण पर शंका थी, यानी उसके पति को लगता था कि उसकी पत्नी के संबंध किसी और के साथ हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। फिर किस दिन बाद लवली के पिता की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद लवली की हालत खराब हो गई। वह कई महीनों तक अपने मायके में ही रुकी। जब वह दोबारा अपने ससुराल गई पहुंची तो लोग उसे ताने मारने लगे और उसके पति ने लवली को तलाक दे दिया। पहले तो पिता की मौत का गम, फिर दूसरा उसके पति ने तलाक दे दिया। इस झटके के बाद लवली पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे अपनी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। लवली को नहीं पता था कि समय की डोर उसे कहां लिए जा रही है। पिता की मौत और पति के तलाक दिए हुए काफी टाइम बीत चुका था। अब किरण और लवली की जिंदगी में धीरे धीरे एक अनजान व्यक्ति प्रवेश कर रहा था। वह व्यक्ति कोई और नहीं, दस्यु सम्राट रज्जन गुर्जर था। दुनिया बदल रही है। बस एक तू नहीं बदला। जो काल के साथ बदल जाए वो अकाली के साथ। 20 साल से एक शिकार की तलाश में, जो आज तक हाथ नहीं आया। काम बताओ उर्फ। तुम जानते हो उसके लेदार को। लवली ने रज्जन के बारे में काफी पहले से सुन रखा था। उसे यह भी मालूम था कि वह एक डाकू है। रज्जन का जन्म भी इटावा जिले के पहालन गांव में हुआ था। रज्जन काफी पहले से डाकू था और उसका आना जाना लवली पांडे के गांव में लगा रहता था। रज्जन लवली से उम्र में भी काफी बड़ा था, लेकिन कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। पिता की मौत और पति के तलाक ने लवली पांडे को गहरा आघात पहुंचाया था। जिंदगी किसी तरह से चल रही थी और फिर इसी बीच एक दिन किसी तरह से उसकी मुलाकात दस्यु सरगना रज्जन गुर्जर से हुई।
पहले तो कई दिनों तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रहे, लेकिन लवली के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वह रज्जन गुर्जर से धीरे धीरे प्रेम करने लगी थी। फिर एक दिन लवली ने रज्जन से अपने दिल की बात कह दी। अब दोनों की मुलाकात छिप छिपा कर होने लगी। फिर एक दिन किसी गांव वाले ने इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। फिर धीरे धीरे इन दोनों के रिश्तों को लेकर गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी। लोग आपस में इनके रिश्ते के बारे में बात करने लगे। हालांकि लोगों की इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह इसका खुलेआम विरोध कर सके। इसके पीछे की वजह तो आपको भी पता होगी, क्योंकि रज्जन तो पहले से ही उस इलाके का कुख्यात डकैत था। लोगों को पता था कि अगर इस बात का विरोध किया तो रज्जन से दुश्मनी मोल लेना जैसा हो जाएगा, और उसका लोग अंजाम भी जानते थे। उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत था। उधर रज्जन गुर्जर का आतंक चंबल के पीड़ों में सर चढ़कर बोल रहा था। चारों तरफ रज्जन के नाम से हाहाकार मची हुई थी। सभी जगह उसके नाम का आतंक कायम था। आम आदमी के साथ साथ पुलिस वाले भी इस गैंग से बचने लगे थे। कई बार रज्जन गुर्जर के गैंग की मुठभेड़ पुलिस से हो चुकी थी, लेकिन हर बार उसकी किस्मत उसे बच निकलने में कामयाब कर देती थी। गांव वाले बताते हैं कि रज्जन अक्सर रात में लवली पांडे के घर में रुकता था और सुबह होने से पहले पहले गाँव से भाग जाता था। एक गाँव में इन दोनों के रिश्तों को लेकर कई तरह की अब बातें की जाने लगी थी। लवली और रज्जन के रिश्ते की कानाफूसी जो लोग आपस में कर रहे थे, वह सभी बातें अब लवली को पता चल चुकी थीं। फिर उसने एक दिन रज्जन से बताया कि लोगों को तुम्हारे और हमारे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। रज्जन पहले तो खूब गुस्सा हुआ, लेकिन लवली के मना करने पर वह शांत हो गया। रात लवली के साथ गुजारी और तड़के तड़के घर से जंगल के लिए निकल गया। लेकिन उसके दिमाग में लोगों की बातें घूम रही थीं जो लवली पांडे ने बताई थी। फिर कुछ दिनों बाद रज्जन ने लवली के साथ ऐसा किया जिसके लिए लवली ने कभी नहीं सोचा था। दरअसल हुआ यूं कि रज्जन ने लवली को एक मंदिर में बुलाया और वहीं गांव वालों और डकैतों के सामने शादी कर ली। शादी के बाद रज्जन लवली को गैंग के साथ रखने लगा, क्योंकि रज्जन और लवली की शादी की बात पुलिस को पता चल चुकी थी और पुलिस से ही बचने के लिए रज्जन ने लवली को जंगल में रखने का फैसला किया। अब रज्जन थोड़ी शांत हो चुका था, क्योंकि वह लवली के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता था। अब लवली पांडे भी बीहड़ में रज्जन गुर्जर के साथ डाकू बन चुकी थी। कहा जाता है कि दस्यु सुंदरी बनने के बाद लवली पांडे का आतंक दूर दूर तक फैल चुका था। कई गांवों के लोग उसके एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते थे। एक वक्त ऐसा था जब उसके आतंक से बीहड़ पूरी तरह थर्रा रहा था। रज्जन गुर्जर केवल और केवल नाम का गैंग का सरगना बचा हुआ था, बाकी सभी फैसले लवली के इशारे पर लिए जाते थे। अब गैंग तेजी के साथ लूट अपहरण फिरौती वाली घटनाओं को अंजाम देने लगा। जिन लोगों को फिरौती के लिए अपहरण होता, बकायदा उसके परिजनों को लवली और रज्जन के नाम की मुहर लगी हुई चिट्ठी तक पहुंचती थी। एक अपहरण की कहानी है जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। साल 1999 था। भिंड के एक रामस्वरूप शर्मा थे जो रिटायर्ड हेडमास्टर थे। रिटायरमेंट के बाद वह रोजाना सुबह घूमने जाया करते थे। 15 दिसंबर 1999 की सुबह जब वह रोजाना की तरह घर से निकले, लेकिन लौटते समय भिंड मेला ग्राउंड के पास एक मारुति वैन ने उनका अपहरण कर लिया। शाम तक जब वह वापस नहीं लौटे, तब उनके बेटे ने थाने पहुंचकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 8 दिन बाद उनके घर डकैत रज्जन गुर्जर और लवली पांडे के लेटर पैड पर लिखी एक चिट्ठी आई, जिसमें उनके पिता के अपहरण की जानकारी देते हुए माताजी के भेंट के नाम पर 6,51,101 रुपये की फिरौती मांगी गई थी। रिटायर्ड हेडमास्टर के बेटे ने पिता को डकैतों के चंगुल से छुटाने के लिए फिरौती दी, तब जाकर वह कहीं छूट पाए। इन दिनों इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी थी। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने लवली के सर की कीमत 50,000 रुपये कर दी, यानी लवली के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित हो चुका था। फिर 5 मार्च 2000 को पुलिस को जानकारी मिली कि किरण उर्फ लवली पांडे अपने प्रेमी के साथ जंगल में रुकी हुई है। फिर पुलिस ने आनन फानन इस गैंग को घेर लिया और सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन डाकुओं ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी और इसी फायरिंग के जवाब में पुलिस
पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें लवली पांडे और उसका प्रेमी रज्जन गुर्जर के अलावा अन्य तीन डाकुओं के साथ पुलिस मुठभेड़ में लवली मारी गई। खैर, आप डाकू किरण और लवली पांडे के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।